नमस्ते, मैं दिनेश कुमाऊत। पूरे फतेहपुर शहर में सिर्फ और सिर्फ आज इस एक्सीडेंट की बात है और बहुत ही सुना, एक साथ 7 लोग जिंदा गाड़ी में चल गए। ये वही हाईवे है और वो जो ट्रक जा रहा है वहां पर ये एक्सीडेंट हुआ। ऐसे ही एक ट्रक जा रहा था और पीछे से ये जो जली हुई कार है, ये जो लॉक है इनके पीछे जली हुई कार है, ये कार उस ट्रक के पीछे जा रही थी। ट्रक के नीचे कार पहुंचते ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना जबरदस्त हुआ कि देखते ही देखते एक्सीडेंट के तुरंत बाद कार में आग लगी और आग लगने के बाद कार में सवार 7 लोग जिंदा चल गए। अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो ट्रक है, आपको दिखाऊंगा मैं। ये वो ट्रक है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी। अभी तक इस ट्रक में कॉटन है, ये देखिए ये ट्रक है। इस ट्रक में जो कार है वो पीछे से टकराई थी, यहाँ ये देखिए यहाँ कार टकराई थी और टकराते ही जो छोटी गाड़ी है कार है उसमें आग लगी थी। आग लगने के बाद देखते ही देखते जो गाड़ी है वो आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसके बाद उसमें सवार 6 लोग, 3 महिलाएं, 2 बड़े पुरुष थे, 2 छोटे बच्चे। ये देखिए ये वो गाड़ी है, ये वो गाड़ी है, आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जला हुआ लोहा बचा है, सिर्फ और सिर्फ जला हुआ लोहा बचा है। पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी है, तो पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी है, लोहा बचा है। अभी भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि इसी गाड़ी में 7 लोग। और ये देखिए यहाँ हादसा हुआ था, ये जो काले निशान हाईवे पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह हादसा हुआ था। वहाँ से गाड़ी को यहाँ क्रेन की सहायता से लाया गया और इसमें से जो जले हुए शव है उनको फतेहपुर के राजकीय धानुका उप जिला अस्पताल के जो मुर्दाघर है उसमें रखवाया गया है। तो झकझोर देने वाली ये घटना फतेहपुर के फतेहपुर चूरू सालासर जो और ब्रिज है हाईवे पर, वहाँ की ये घटना दोपहर लगभग 2:50 की ये घटना बताई जा रही है। और ये देखिए ये गाड़ी में सामान था, छोटे बच्चों के ये देखिए आप चप्पल छोटी छोटी, उन्हें बच्चों का अंदेशा भी नहीं रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए छोटे बच्चों की ये छोटी चप्पल है, महिलाओं की चप्पलें हैं, ये सामान है बच्चों के खाने का, बिस्किट बच्चे के, ये देखिए बच्चे के बिस्किट। और ये गाड़ी आप अंदर से देख सकते हैं कि पूरी जलकर राख हो चुकी है। तो अंदर से गाड़ी है वो पूरी जलकर खाक हो चुकी है। अभी भी जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो इस गाड़ी को देख रहे हैं और जिसको भी इसकी सूचना मिली, हर व्यक्ति यहाँ पर इस भीषण हादसे को देखने के लिए यहाँ पहुँचे और हर कोई कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि ये देखिए ये गाड़ी में सामान था, मोबाइल का कवर है, चश्मे का कवर है, डायपर है, तो ये सारा है वो इस जो सामान है वो इस गाड़ी में ही मौजूद था। तो 7 लोग सवार थे इसमें, जिसमें 2 छोटे बच्चे थे, 3 महिलाएं और 2 पुरुष। 7 की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। और पीछे से टकराया ये वो ट्रक है, इसके पीछे से टकराया है, ये देखिए आप। इस ट्रक में कॉटन से भरा हुआ था ये ट्रक, और ये कॉटन में अभी भी
हल्का धुआं निकलने के अंदेशे के कारण इस पर अभी भी जो पानी का छिड़काव है वो किया जा रहा है। और एक्सीडेंट के बाद आईजी, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तहसीलदार, एसडीएम, थाना अधिकारी सहित अन्य जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ वो यहाँ पर पहुँची।